तो गाइस फाइनली हमारा उल्लू आ चुका है, सौरभ जोशी वाला। और गाइस इसको हम ले जा रहे हैं। उल्लू कूद जा, जंप। अरे गाइस उल्लू जंप कर लिया है। गाइस ये सारी चीजें मांगता है। और फाइनली हम आ चुके हैं अपने मम्मी के मामा के यहाँ, नहीं अपने मामा के यहाँ। उल्लू चल, उल्लू चल, अरे चल ना, चल उल्लू। तो गाइस हमारे साथ आयुष है। तो गाइस अभी इसको पोटी करानी है हमको, पोटी कर रहा है। देखिए गाइस अभी हम इसको पोटी करा रहे हैं। अभी हम इसको घुमाएंगे गाइस, अभी हम इसको घुमाने ले जाएंगे। और अभी चलते हैं। अभी गाइस 3 बज रही है और 3 बजे हम लोग घुमा रहे हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। और गाइस हमारा मामा का लड़का है आयुष, और ये आदित्य है यहाँ पे, जो कि इसको पोटी करा रहा है। भाई पोटी कर लो अच्छे से, चलो आए आदित्य। तो गाइस हरियाली देख रहे हो, ऐसी हरियाली कभी देखने को मिलती है आपको? बहुत कम। गाइस हम खेत में जाके कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। दौड़ो उल्लू। तो गाइस दौड़ रहा है हमारा उल्लू। तो गाइस देख सकते हैं हम आ चुके हैं, और वहाँ पे बाबू आ रहा है, आ जाओ। तो गाइस वहाँ पे सामने जाएंगे तो थाना आ जाएगा, मतलब माई का थाना। और यहाँ पे हरियाली देख रहे हो, आओ आ जा, आ जा। तो गाइस आयुष हमारे साथ, और आदित्य उसको दौड़ा रहा है। आम का पेड़, हरियाली बहुत है गाइस यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है गांव में आके गाइस, हवा इतनी मस्त चल रही है 3 बजे। आम मिला? बताओ बताओ। तो गाइस आम गिरा, हमको आम गिरा हुआ मिला। गाइस देखो कितना बड़ा आम है, बाबू को मिला है। तो बाबू अब घर जाके खाएंगे नमक साथ। चलो वापस चलो, बहुत हो गया, चल आधे चल लेके, चल चल। अभी हमने कुत्ते को घुमा दिया है, और गाइस पीछे गाय आ रही है, देखिए कितनी गाय है, भागो। और गाइस अब इसको लेके चलते हैं घर पे। और गाइस गाय को जाने दो, पहले गाय को जाने दो, मार देगी टक्कर वक्कर, हो गया। गौ माता जा रही है और एक गाय दौड़ के आ रही है। ऐसे गाय भड़की हुई थी भाई, अच्छा हुआ रह गई गाय, सब गाय जा रही है, चलना। फाइनली हम जा रहे हैं घर। आती दौड़ा मत, गाय दौड़ा रहा है उसको उल्लू को, हमारा उल्लू। हमने नाम दिया सौरभ भाई के कुत्ते का नाम उल्लू है, तो हमारे डॉगी का नाम भी उल्लू रहेगा। उल्लू नाम है उसका आज से, ठीक है, ओरियो आज से उसका नाम भी ओरियो। और अभी चलते हैं घर पर। तो गाइस बहुत लोग बोलते हैं ना हरियाली, हाँ यहीं पे है देखो गाइस, खेत की हरियाली देखो। अभी हम चल रहे हैं हमारे खेत में, वो भी दोपहर में, क्योंकि गाइस ज़्यादा दिन नहीं रुक रहे हैं ना, तो अच्छे से घूम लेते हैं। और गाइस बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि भाई आप 12 से 15 मिनट के व्लॉग डालो, मतलब 10 मिनट के ऊपर के। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। और देखो गाइस गांव, गांव में घर, मतलब गांव भी सरस जैसा ही है। और मैं मामा वहाँ गए हैं खेत में आदित्य और मन्नू के साथ, मैं अभी जा रहा हूँ आदित्य बाबू को लेके। तो गाइस देखो खेत में भिंडी उगी है, यहाँ पे सब उगता है गाइस, देखो यहाँ पे भी। पहले ऐसे घर होते थे। आयुष चलो, भिंडी उगा रखी है, देखो ये भिंडी है गाइस, यहाँ देखिए सारे खेत हल हो गए। ये भोजपुरी लड़का, ये भोजपुरी लड़का। और गाइस मेरा शेप देखोगे ना तो हंसी रोक ना पाओगे। वहाँ पे अपना खेत है, अब अभी वहाँ पे जाएंगे। और गाइस देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ना ये मतलब छोटा सा पोखरी बोल देंगे, ये छोटा सा है, यहाँ पे पानी नहीं है अभी, वरना गाइस यहाँ पे पूरा फूल लेता था। ये बाढ़ आती है ना तो पूरा वहाँ तक चढ़ जाता है। देखो देख रहे हो कैसे जा रहे हैं, और मैं अकेला ऐसे नहीं जा रहा हूँ, मेरे मामा आदित्य और मन्नू सब लोग ऐसे जा रहे हैं। और अभी पहुँचते हैं, फिर आपको मिलते हैं। भाई हवा बहुत तेज चल रही है, चलते हैं। हम फाइनली आ चुके हैं पोखरी के पास, जो कि हमारे खेत के पास में, और मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखो यहाँ पे सब लोग सोच करके क्या क्या कर रहे हैं, और यहाँ अपना खेत है, वहाँ पे खेत है अपना, और ये पोखरी है, देखिए ये इतना बड़ा पोखरी है, ये है बहुत गंदा पानी है, और इधर खेत है, देखो सब पानी चल रहा है अपना।
तो गाइस यहाँ पे देखो ये लोग मोटर ले जा रहे हैं, जनरेटर, जिससे कि पानी चलेगा खेत में। वहाँ अकेले लेके जा रहे हैं, ये दोनों सिर्फ हाथ रख के हैं। रात हो चुकी है और अभी हम बहुत थक चुके हैं गाइस, पूरा घूम के आ चुके हैं, मतलब पुराने घर से नए घर। और आदित्य भी यहाँ पे मोबाइल चला रहा है, हॉटस्पॉट दिया हूँ मैं इसको, और अब नींद आ रही है तो अभी सोएंगे। तो आई होप आप ब्लॉग बढ़िया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मिलते हैं।